हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोल्टास एसी 2023 के मॉडल के बारे में। यानी दोस्तों, 2023 में वोल्टास एसी में आपको क्या क्या फीचर देखने को मिल रहे हैं, वो सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और दोस्तों, वोल्टास एसी के जितने भी नए मॉडल है 110 एंड 1.5 टन के, दोनों मॉडल के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। दोस्तों, जाइए चेक कीजिए। अगर आपको बाय करना है तो बाय भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको प्राइस चेक करना है तो दोस्तों प्राइस भी चेक कर सकते हो। दोस्तों, वोल्टास एयर कंडीशनर के अंदर 2 स्टेडी कंप्रेसर आ रहा है। इस कंप्रेसर का बेनिफिट ये होता है दोस्तों, एक हाई एनर्जी एफिशिएंट कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर के अंदर ड्यूल रोटर्स लगे हैं, जिसकी मदद से एसी के अंदर नॉइस लेवल कम होता है, वाइब्रेशन कम होता है, और एसी में पावर सेविंग काफी अच्छी होती है। दोस्तों वोल्टास का ये कंप्रेसर एक हाई एनर्जी एफिशिएंट रोटरी कंप्रेसर है। दोस्तों, 2023 में वोल्टास का एयर कंडीशनर 4-in-1 एडजस्टेबल कूलिंग मोड के साथ में आ रहा है। यानी आप अपने यूजेस एंड कन्वीनियंट के हिसाब से वोल्टास के एसी को 4 अलग अलग टनेज में कन्वर्ट करके चला सकते हो। एडजस्टेबल मोड का फायदा ये होता है दोस्तों, आपको एक यूनिफॉर्म कूलिंग मिलती है, कम्फर्ट मिलता है, और पावर सेविंग काफी अच्छी होती है। टनेज कम करने से फायदा ये होता है दोस्तों, एसी का जो पावर कंजप्शन है काफी ज्यादा कम हो जाता है। वोल्टास एसी के सभी मॉडल CO2 रिडक्शन के साथ में आ रहे हैं। यानी आपके रूम के एयर में जो भी अगर हार्मफुल गैस है, टॉक्सिक गैसेस है, उन सभी को रिमूव करता है और आपको रूम की एयर को प्यूरिफिकेशन में काम करता है। वोल्टास का एसी कूलिंग के साथ साथ एयर प्यूरिफिकेशन भी करता है। यानी आपके रूम की एयर के अंदर बारीक से बारीक डस्ट पार्टिकल है, बैक्टीरिया है, यानी एयर के अंदर जितने भी इम्प्यूरिटी है, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, उन सभी को रिमूव करके आपकी रूम की एयर को प्यूरिफाई करने का काम करता है वोल्टास का एसी। तो वोल्टास इन्वर्टर एसी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ में आता है। यानी अगर आपके यहाँ पावर फ्लक्चुएशन भी होता है तो वोल्टास एसी का इनबिल्ट स्टेबलाइजर 110 वोल्ट से लेकर 285 वोल्ट तक काम करता है और आपके एसी को बिजली के झटके से प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, अगर आपके यहाँ पावर फ्लक्चुएशन कुछ ज्यादा ही है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पर्सनली एक अलग से स्टेबलाइजर लगवाइए तो ज्यादा बेटर होगा। दोस्तों, वोल्टास एयर कंडीशनर 100% कॉपर के साथ में आ रहा है। यानी वोल्टास एसी के अंदर जितने भी कॉइल है, इंडोर वाले, आउटडोर वाले, सारे के सारे 100% कॉपर के साथ में आ रहे। दोस्तों, कॉपर का बेनिफिट ये होता है कि दोस्तों, अगर आपके एसी में कभी भी लीकेजिंग का इश्यू आता है तो उसे आप इजिली ब्रेस करवा सकते हो, रिपेयर करा सकते हो। नॉर्मली होता ही है कि अगर आपके मशीन में अगर कॉपर कंडेंसर की जगह एल्युमिनियम कंडेंसर होता तो अगर उसमें लीकेजिंग का इश्यू आया तो वो रिपेयर नहीं होता, फिर आपको रिप्लेस करना पड़ता, जिससे आपका मेंटेनेंस बढ़ जाता है। तो वोल्टास के सभी एसी 100% कॉपर कंडेंसर के साथ में आ रहे, तो वो दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो वोल्टास एसी के सभी मॉडल ब्लू फिन्स एंटी क्रोजन कोटिंग के साथ में आ रहे। यानी ब्लू फिन्स एक ऐसी कोटिंग है जो आउटडोर यूनिट की जो फिन्स होती है, तो वोल्टास का एसी ब्लू फिन्स एंटी क्रोजन कोटिंग के साथ में आ रहा है। यानी जो आउट मेन कंडेंसर होता है बाहर का आउटडोर यूनिट, उसकी जो एल्युमिनियम वाली फिन्स होती है उसमें ब्लू कलर की एंटी क्रोजन कोटिंग दी गई है, जिसका बेनिफिट ये होता है जो फिन्स होता है उसमें मॉइस्चर कहीं भी रुकता नहीं। नॉर्मली अगर आपके एसी के फिन्स पे अगर कोई एंटी क्रोजन कोटिंग नहीं है तो उसे मॉइस्चर लगने से क्या होता है दोस्तों, मॉइस्चर वहीं भी बैठा रहता है, और जिससे धूल मिट्टी लगने से जो फिन्स होती है खराब होती है, जिससे कूलिंग प्रॉपर नहीं होती है, या ज्यादा क्रोजन लगने से जो कॉइल होती है वो खराब हो जाती है, फिर एसी में लीकेजिंग का प्रॉब्लम भी आता है, या एसी आपका हीट एक्सचेंज प्रॉपर नहीं कर पाता है, तो ये इश्यू आपको वोल्टास के एसी में बिल्कुल भी फेस नहीं होगा। दोस्तों, वोल्टास का एयर कंडीशनर 52 डिग्री टेम्परेचर में भी काम करता है। यानी अगर बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री चला भी जाता है तो ऐसे क्लाइमेट में भी वोल्टास का एसी आपको फास्टर कूलिंग मेंटेन करके देता है। नॉर्मली होता यह है दोस्तों, जैसे कि अगर जो हमारा मेन मशीन होता है बाहर रखा रहता है टेरेस पे या कहीं आउट बाहर की साइड, उसमें ज्यादा हीट अगर पड़ती है तो नॉर्मल बहुत से कंपनी के एसी में क्या होता है, एसी ट्रिप करने लगता है, कूलिंग प्रॉपर नहीं होती, तो वोल्टास का एसी जो होता है आउटडोर यूनिट, अगर वहां का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री भी जाता है तो एसी ट्रिप नहीं करेगा, और ऐसे क्लाइमेट में भी आपको वोल्टास का एसी फास्टर कूलिंग प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, वोल्टास का इन्वर्टर एसी सेल्फ डायग्नोस फीचर्स के साथ में आता है। यानी एसी में कुछ भी खराबी आती है तो आप उसे डायग्नोस कर सकते हो, जिसका एरर कोड एसी के डिस्प्ले पे आ जाता है, जिससे ये पता चलता है कि आपके एसी में क्या प्रॉब्लम है, या सेंसर का प्रॉब्लम है, फैन मोटर, या किसी भी रिलेटेड किसी भी पार्ट से रिलेटेड कुछ भी फेलियर होता है तो उसका एरर कोड आता है। उसका सीधा सीधा फायदा ये होता है, जिससे आप एसी को फटाफट रिपेयर करा सकते हो। वोल्टास के सर्विस सेंटर में कॉल करना है और आपको ये बताना है कि ये एरर कोड आता है आ रहा है, या माइनर इश्यू रहेगा तो आपको फोन पे गाइड कर देगा, अगर ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी तो टेक्नीशियन वो कोड की मदद से फटाफट आगे आपको सर्विस देके जाएगा। दोस्तों, वोल्टास का इन्वर्टर एसी टर्बो कूल मोड के साथ में आता है। नॉर्मली हम जब एसी को ऑन करते हैं तो कम से कम रूम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए 15 से 20 मिनट या 10 मिनट तो लग जाता है, 10 से 15 मिनट लग जाता है।
तो वोल्टास एसी में टर्बो कूल मोड आता है, जैसे आप बटन प्रेस करते हो तो टर्बो कूल मोड में होता ही है दोस्तों। आपका एसी जो होता है हाई स्पीड पे रन करता है, उसकी कूलिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा हाई रहती है उस टाइम पे, तो उसकी ब्लोअर की फैन की स्पीड काफी ज्यादा हाई स्पीड में रन करता है एसी, इससे जो रूम होता है दोस्तों इंस्टेंट ठंडा हो जाता है, फास्टर कूलिंग के लिए होता है दोस्तों। तो वोल्टास एक इंडियन ब्रांड है, इसकी आफ्टर सेल सर्विसिंग भी काफी अच्छी है, प्रोडक्ट क्वालिटी भी काफी अच्छी है। वोल्टास एसी के जितने भी इन्वर्टर एसी है दोस्तों रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है दोस्तों। वोल्टास एसी की आफ्टर सेल सर्विसिंग भी काफी अच्छी है दोस्तों। अगर आपको कुछ भी डाउट है, क्वायरी है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। दोस्तों जितने भी बेस्ट एयर कंडीशनर है और नए मॉडल है सभी की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।